हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है वो लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, बंदूकों का नहीं कर रही। और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खदेड़ दिया, पर लाठी चला रहे हो तुम सेना, गोली चलाओ, तुम लाठी चलवा रहे हो, लो अब ऐसे चला दो, लो अब अपने पास लाठी से काम चल गया तो क्या दिक्कत है। ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से हो, आपके हिसाब से हो, आपके हिसाब से हो, ये ऊपर की चीजें होती है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है और आप यहाँ पे है। हाँ आप बात ही नहीं समझते, आपको चाहिए अपनी मर्जी से, इनको चाहिए कि आज मैं बोलूं कि रात हो तो अभी रात हो जाए, अभी बोलूं दिन हो तो अभी हो जाए दिन, इनको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ बोले बोले, आप सेना के पीछे क्यों छुप रहे हो, आप सेना के पीछे क्यों छुप रहे हो, सेना देश की बॉर्डर पे खड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ करके इतना बोल रहे हो ना, हम तो छुपा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो सेना के पीछे छुपा हूँ और जिंदगी भर छुपा रहूंगा। तो यही है, मोदी जी वही सेना के पीछे छुप रहे हैं, जो उसका काम है वो कर नहीं रहे। तो मोदी जी अलग लेवल पे हैं, आप उनके लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाओगे। काम लेने से डरते हैं ना मोदी जी, तो चीन के एप्स इतना बंद नहीं करते जितना चीन इंडिया से पैसा कमाता था। पाकिस्तान ओके हो गया था, 56 इंच का सीना लेकर गए थे पाकिस्तान। अरे बेंचो लठ मारे, वो तुमको दिख नहीं रहे, उनको कूट कूट के वहाँ निकाल दिया, चाइना की बुरी हालत हुई पड़ी है बेंचो। पिछली बार कोरोना में यहाँ क्या हाल हो गया था, केजरीवाल के राज में गैस नहीं थी भाई साहब। मोदी जी मेरे गेट पे लाके देंगे तब मानेंगे। अरे मोदी जी ने क्या मतलब तुम्हारे गेट पे देंगे क्या मतलब? ये बोले हमारा विदेश में कभी नाम नहीं था। आपको याद होगा 1972 में जब पाकिस्तान आग दिखाया था अमेरिकी महाशक्ति के बलबूते पे, तो एक महिला प्रधानमंत्री कहा था मैं तुम्हें टुकड़ा में बदल दूंगा, और देखते देखते 3 दिन के अंदर बांग्लादेश को उससे आज़ाद कर दिया, 1.5 लाख की फौज को बंधक बना लिया। उस टाइम में पूरे दुनिया में भारत का बोलबाला था। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में कहते हैं नेहरू इज द बेस्ट मैन। 26/11 में क्या दिक्कत थी? एक मिनट सर। अरे सुनिए, 26/11 में क्या दिक्कत थी? 26/11 में क्या दिक्कत थी? सरकार के पास क्या परेशानी थी? सेना तैयार नहीं थी, सरकार तैयार नहीं थी क्या? इतने लोगों की मृत्यु हो गई, क्यों एक्शन नहीं लिया गया उस समय? अगर एक्शन नहीं लेती तो सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे रखी, सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे रखी थी? जब सारे सबूत मिल गए तो क्यों एक्शन नहीं लिया? सुनिए, एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन नहीं लेती तो कसाब गिरफ्तार नहीं होता, अगर एक्शन नहीं लेते तो कसाब गिरफ्तार नहीं होता। आप हद वाली बात कह रहे हैं, कसाब को गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो पाकिस्तान को क्यों जवाब नहीं दिया गया जब सारे सबूत मिलने के बाद? ठीक है, सबूत पुलवामा अटैक पे सबूत मिला, आप क्या जवाब दिए? आपको उड़ी हमला पे आपको सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हुई या नहीं? कुछ नहीं हुआ, तुरंत जवाब दिया गया नहीं? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जवान मर गया चीन में, कील डंडा पे ठोक ठोक के, कील डंडा पे ठोक ठोक के हमारे जवान को शहीद करके चले गए हमारे जवान। उसे कब देखिए, अब भाई देखिए बात है नहीं है, गलावन घाटी में क्या हुआ था पिछले साल? गलावन घाटी हुआ, देखिए सुन लीजिए, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बताइए भाई सुनिए, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं, आप फैला रहे हैं। गलावन घाटी ने बता तू 20 जवान था है, तो 20 जवान है, क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सेना जवाब दे रही है, सेना ने जवाब दिया, जब सेना ने तो सेना जवाब दे रही है। अरे तवांग में क्या हुआ? राहुल गांधी कहते हैं पिट रही सेना, तवांग में क्या हुआ? आप नेताजी की बात करो, गलावन घाटी में सुनिए, छोड़ दो सेना, अपना सेना कमजोर है क्या? अरे सेना बात तो सुनो एक मिनट, ये तो सेना अपना काम हमने पहली बार देखा है, नहीं सेना पे हमने नहीं, राहुल गांधी कहते हैं हमने पहली बार देखा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है वो लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, बंदूकों का नहीं कर रही। और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खदेड़ दिया, पर लाठी चला रहे हो तुम सेना, गोली चलाओ, तुम लाठी चलवा रहे हो, लो अब ऐसे चला दो, लो अब अपने पास लाठी से काम चल गया तो क्या दिक्कत है? जब लाठी से भाग गए आपके परिवार से फोन, हमारे दोस्त लोग फौज में है, सुनिए आप एक फॉरेन पॉलिसी होता वो पॉलिसी के हिसाब से हर देश निगोशिएट करती है, ठीक है। पीछे साल जब गलावन घाटी का मुद्दा हुआ, जब वहाँ पे कील ठोक के डंटा में हमारी फौज को शहीद करके चला गया, कोई निगोशिएट नहीं हुआ, उसका दोबारा इस साल भी दोहराया गया। जो पाकिस्तान वाले सिर काट के ले गए उस पर क्या ख्याल है? सुनिए, पाकिस्तान को ऐसा सदमा दिया, अगर क्या एक्शन लिया? दो टुकड़ा में कर दिया भाई,
दो टुकड़े में पकड़ा, दो टुकड़े की बात छोड़िए, आपकी बात करिए, क्या एक्शन लिया? लाहौर तक हमारी फौज जाके फतह करके आई थी, लाहौर तक कुछ नहीं है, सेना पे सवाल करते रहो, पिट रही है सेना, लाहौर पे तक गई है यही। ये बताओ, अब तो कुछ दिन की बात हुई है ना, एक साल 300 सैनिक खदेड़ दिए, और इससे बलवान क्या होगा बताइए? हमारी सेना ने 2000 अंदर तो फिर भी है वो कौन? चीन, वो चाइना। हाँ, आप गए देखने? नहीं नहीं, अरे आप सुनिए, बॉर्डर पर आप जो मैप से कुछ जो बोल दो कुछ वो आप देखने गए? राजनाथ सिंह 2000 किलोमीटर आप देख जी, राजनाथ जी सिंह पार्लियामेंट में खुद इसके बारे में बोले, जो चीन कब बोला हमारे देश से चीन अंदर हमारे यहाँ घुसपैठ किया। सुनो, आपने कहा कि 300 सेना जो आप कह रहे हो कि धकेल दिए, 300 सेना कहाँ से आप देखने गए थे? आप देखने गए? हम नहीं कह रहे हैं ये चीज, हम नहीं कह रहे कि आप इतने गिनती, हम 300 की 250 होगी, 200 होगी। सेना अध्यक्ष ने कहा आप देखे थे कि चीन के सेना इंडिया के आर्मी को पीटा था? हम तो नहीं देखे। सेना अध्यक्ष ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया। देखो, जब पुलवामा हम वीडियो देखा नहीं देखा आप खाली तुम्हें, जब पुलवामा हमला हुआ ठीक है ना, आतंकवादी ने किया ठीक है, हम एक मिनट, हमारे है ना एयरफोर्स है ना बालाकोट किए जाके किया कि नहीं किया? सर्जिकल स्ट्राइक किए, जबकि वहाँ की सेना नहीं आई थी, आतंकवादी आके हमारे पास वो बम ब्लास्ट किया था। एक मिनट, और जब चीन का सेना अंदर आके हमारे 20 जवान को शहीद कर देता है, तब एयरफोर्स क्यों नहीं गया? तब एयरफोर्स क्या कर रहा था? आप युवा ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से हो, आपके हिसाब से हो, ये ऊपर की चीजें होती है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है और आप यहाँ पे है। हाँ, आप बात ही नहीं समझते, आपको चाहिए अपनी मर्जी से, इनको चाहिए कि आज मैं बोलूं कि रात हो तो अभी रात हो जाए, अभी बोलूं दिन हो तो अभी हो जाए दिन, इनको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ बोले लाल किला में जो झंडा लगाने आया उस टाइम आप लोग कहा था, लाल किला में जो झंडा लगाने आया वो तो देश तोड़ने के लिए आया था, जो भी आया शेख आया इसमें सारे इंसान आ गया, आज तक हिंदुस्तान में देखा कोई झंडा लगाने आता है? ये तो देश तोड़ने का बात हो गया, अगर पाकिस्तान का झंडा लगा देता तो क्या हालत होता? पाकिस्तान का होता तो फिर उसको पाकिस्तान भेज दो, तो पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान के नाम पे है ना, पाकिस्तान के नाम पे वोट मिलता है इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और चीन को नहीं कर सकते, चीन को तो बोल भी नहीं सकते, पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, चीन हमारे देश में घुस ने देखा नहीं सर, सैनिक कितने खदेड़े हैं आपने देखा, डंडे मार मार के भगा दिए, देखा नहीं भाई? हमारे सैनिक, हमारे हमारे वीडियो देखा, हमारे सैनिक वीर जवान हैं ठीक है, वो 1 क्या 10 क्या 300 क्या 3000 को खड़े तरफ कहते हैं भारत छोड़ रहा है, दूसरी तरफ सेना पे सवाल उठा, बात सेना की नहीं है, बात प्रधानमंत्री की रक्षा कर रही है सेना, आज सेना की वजह से ही रैली कर रहे हैं यहाँ पे, सेना का तो सम्मान, आप सेना के पीछे क्यों छुप रहे हो? आप सेना के पीछे क्यों छुप रहे हो? सेना देश की बॉर्डर पे खड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ करके इतना बोल रहे हो ना, हम तो छुपा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सेना के पीछे छुपा हूँ और जिंदगी भर छुपा रहूंगा। बस तो यही है, मोदी जी वही सेना के पीछे छुप रहे हैं, जो उसका काम है वो कर नहीं रहे, तो मोदी जी अलग लेवल पे हैं, आप उनके लेवल पे कहीं पहुंच नहीं पाओगे। नाम लेने से डरते हैं ना मोदी जी, तो चीन के एप्स इतना बंद नहीं करते जितना चीन इंडिया से पैसा कमाता है। पाकिस्तान ओके हो गया, 56 इंच का सीना लेकर गए थे पाकिस्तान, यहाँ पे जितना युवा खड़ा है, सुने यहाँ पे जितना युवा खड़ा है, भाई देखो मेरी बात सुनो, इनकी आंखों पे बंधी हुई है पट्टी, कैसे पट्टी इसलिए बंधी हुई है, चश्मा आप पे लगा है, नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, उसमें सुरेंद्र पूर्णिया का इंटरव्यू आया परसों, नहीं समझे अगर कहो तो मैं दिखा देता हूँ, वो खुद मेजर है, मेजर ने खुद ने कहा है कि राहुल गांधी और ये अरविंद केजरीवाल, हम जिन्होंने ये बोला है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक झूठ है, अगर आज वो जैसे उसने वो बताया कि हमारे एक साथी की गोली लगी थी पैर में, उस साथी ने बोला था कि अगर वो मेरा मन कर रहा है कि अगर वो मेरे सामने हो ना तो उसे दोनों को दो गोली उतार दूं, कि हम यहाँ पे गोली खा रहे हैं और ये लोग कहते हैं झूठ है, किसको कह रहे हैं गोली? झूठ इंटरव्यू कर रहा है, सारी पब्लिक के सामने कह रहा है, सारी पब्लिक के बीच में इंटरव्यू दिया है उसने कि ये कह रहे झूठ है,
अब ये बोले कि जी वो चाइना को कुछ बोल नहीं सकते मोदी जी बोलने, तो क्या बोलते हैं आपको सुना सुना के बोले इनको पता है। बेंचो लट मारे वो तुमको दिख नहीं रहे, उनको कूट कूट के वहाँ निकाल दिया। चाइना की बुरी हालत हुई पड़ी है बेंचो, पिछली बार कोरोना में यहाँ क्या हाल हो गया था केजरीवाल के राज में, गैस नहीं थी भाई साहब। मोदी जी मेरे गेट पे लाके देंगे तब मानेंगे, अरे मोदी जी ने क्या मतलब तुम्हारे गेट पे देंगे क्या मतलब। अभी इन्होंने ऑक्सीजन की बात करी सर ने, बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने बोला, ऑक्सीजन का टॉपिक उठाया इन्होंने। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने दिल्ली में लाके गैस दी जिसके वजह से कम मौत हुई, आपका ये कहना है ना, आप ये कहना चाह रहे हो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो। गेट पे चाहिए, गेट पे चाहिए तो लाके मोदी जी ने लाके दिया, मोदी ने लाके दिया। वो कह रहा है कि मेरे को गेट, मोदी ने लाके दिया, ऑक्सीजन लाके दिया, काय में भरते उसको, रोड पे डालते उसको, साधन तो नहीं है। मोदी जी की सरकार थी ना सर, एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट, जहाँ पे भी मोदी जी की सरकार थी ना वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोया था भाई। मोदी ने पूरी व्यवस्था करी थी, जिन जितना मांगा था नहीं समझे। फिर इनको मेरी बात सुनो मुद्दा क्या हो, अरे बात सुन लो यार, पूरी हवा में बात मत करो, हवा में सर एक मिनट सर ने ये बोला कि मोदी जी के वजह से, इनका कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन दिल्ली में दी गई जिससे यहाँ के हालात ठीक हुए, यही सर कहना चाह रहा हूँ। अरे सर यही भाई, इनके पास स्टोर नहीं था, मेरी बात तो सुन लो। आपका आपका सरकार यूपी में था, यूपी में आपका सरकार था, चार साल पुरानी सरकार यूपी में था आपका। आप वहाँ पे क्या किए, गंगा घाट पे लाश को लगा दिए, तो गंगा घाट पे मरे तो सही भैया, ऐसे क्या पूरे अमर पूरे ठीक ठीक